हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल बक्स। तो दोस्तों, आप लोगों का क्रिसमस जो है वो कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारे पास जो गाड़ी आई है, ये आई है मैजिक मंत्रा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कोड जो है वो क्या आ रहा है, यानी कि फॉल्ट कोड इसमें क्या मिल रहा है। तो आज हम स्कैनर यूज़ करने वाले हैं PS70 Pro। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये आप देखो, इसमें जो है 3 फॉल्ट कोड दिखा रहा है। ये आप देखो, एक फॉल्ट कोड जो है वो इसमें करंट DTC में आ रहा है, एक्सलेटर पैडल से रिलेटेड है, और गाड़ी में भी प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने ट्रबल कोड को क्लियर कर दिया। यहाँ आप देखो, जो चेक लाइट पहले आ रही थी वो भी अब चली गई। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये गाड़ी हमारी जो है वो स्टार्ट हो गई। इसका पेडल प्रेस करते हैं हम लोग, तो गाड़ी जो है वो एक्सलेट नहीं हो रही, यानी कि गाड़ी रेस जो है वो नहीं हो रही। ये हम पेडल दबा भी दे रहे हैं, ये आप देखो चेक इंजन की लाइट आ जा रही है और गाड़ी रेस नहीं हो रही। और फॉल्ट कोड इसमें ये आ रहा है, एक्सलेटर पेडल डिफेक्ट, प्लॉसिबिलिटी चेक बिटवीन APP 1 एंड APP 2। अगर हम लाइव डाटा में भी चेक करते हैं एक्सलेटर पेडल हमारा काम कर रहा या फिर नहीं कर रहा, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया एक्सलेटर पेडल को, अब हम एक्सलेटर पेडल प्रेस करते हैं। यहाँ जो है परसेंटेज आपको दिखना चाहिए कि कितना परसेंट आपका एक्सलेटर पेडल प्रेस हुआ। ये हमने पूरा प्रेस कर दिया, यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ शो नहीं हो रहा, यानी कि पेडल जो है वो हमारा काम नहीं कर पा रहा है। ये आप देखो, रेस बिल्कुल भी गाड़ी वो नहीं हो रही। बस गाड़ी जो है वो स्टार्ट होती है, जैसे पेडल प्रेस करते हैं चेक इंजन की लाइट आती है और ये फॉल्ट कोड जो है वो जनरेट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी में हमें प्रॉब्लम कहाँ मिली और इसका सॉल्यूशन जो है वो हमने कैसे किया। ये आप देख पा रहे हो, इसका कपलर जो है, इसमें टोटल 6 वायर आते हैं, जिसमें से 2 में 5 वोल्ट, 2 में ग्राउंड और 2 में सिग्नल आएंगे। ये आप देख सकते हो, अगर हम इसको पिन नंबर 2 पे लगाते हैं, यहाँ आप देखो यहाँ पर ये बीप कर रहा है, यानी कि इस पर जो है ग्राउंड आ रहा है। बट सेम इधर से पिन नंबर 2 पे लगाते हैं तो इधर में जो है वो हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा है, ये आप देख सकते हो। अब मैं इसको जो है वोल्टेज भी इसकी दिखला देता हूँ। ये आप देखो, बाकी पिन्स पे भी ग्राउंड नहीं आ रहे हैं, बट ओनली पिन नंबर 2 पे ही ग्राउंड आ रहा है, एक पे। ये आप देखो, इस वाले पे ये बीप कर रहा है। अब बात अगर मैं करूँ वोल्टेज की, तो ये आप देखो, हमने इसको 20 पे सेट कर लिया। अब इसको मैं पिन नंबर 3 पे लगाता हूँ, यहाँ आप देखो 5 वोल्ट जो है वो आ रहा है। अब पिन नंबर 4 पे भी ये आप देखो 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 2 5 वोल्ट हमारा आ रहा है बट 2 ग्राउंड जो है वो नहीं आ रहा है इस पर। तो जैसे कि हमने चेक किया कि इसमें एक पे ग्राउंड आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा, तो ये वाला जो वायर है ये आप देख सकते हो ब्राउन कलर की, ये पिन नंबर 2 है, एक पे ग्राउंड आ रहा था और एक पे नहीं आ रहा था, तो इस पर जो है हम अलग से ग्राउंड की सप्लाई जो है वो देंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कराता हूँ। वहाँ ऊपर हमने पिन लगाया और नीचे आप देख सकते हो इस पिन पे बीप आ रहा है। तो हम जो है इसकी वायर पे अलग से ग्राउंड देके आपको दिखाते हैं कि गाड़ी जो है वो हमारी ओके होती है या फिर नहीं होती, या फिर इसमें और वायरिंग में कहीं और प्रॉब्लम है, या फिर इसके सिग्नल वायर में प्रॉब्लम है, या फिर एक्सलेटर पैडल ही ख़राब है। तो चलिए देखते हैं, इसको जो है हम कपलर को लगाते हैं पहले। इसका इस पिन में अपने पिन लगा दिया है और इसको अलग से हम लोग ग्राउंड देंगे। उसके बाद जो है, सबसे पहले जो है हम लोग इसका जो फॉल्ट कोड आ रहा था इसको क्लियर कर देते हैं। ये हमने फॉल्ट कोड क्लियर कर दिया। ये आप देख सकते हो चेक लाइट जो है वो अब नहीं आ रही। मैं ट्रबल कोड भी रीड करके दिखाता हूँ, नो ट्रबल कोड आ रहा। अब इस पर हमने अलग से ग्राउंड दे दिया है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके ये रेस कर रहे हैं हम लोग, तो ये आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो अब हमारी रेस भी हो रही है और एक्सलेटर पेडल दबाने से कोई चेक लाइट भी इसमें नहीं आ रही। तो गाड़ी जो है वो हमारी ओके हो गई, यानी कि इसमें ग्राउंड की ही प्रॉब्लम थी, एक वायर पे ग्राउंड जो है वो नहीं आ रही थी। अब मैं आपको ग्राउंड को भी हटा के दिखा देता हूँ। वो जो वायर हमने लगाया था ये हमने इसको हटा दिया और अब जो है आप एक्सलेटर पेडल जैसे ही दबाएंगे तो ये आप देखो चेक इंजन की लाइट जो है वो आ गई और गाड़ी हमारी रेस नहीं हो रही। तो ये आप देख सकते हो, यानी कि इसमें आपको वायरिंग में सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद जो है आपको पेडल को क्लियर करना है। ये आप देखो ट्रबल कोड फिर से सेम वही आ गया और चेक इंजन की लाइट भी आ गई और गाड़ी हमारी रेस नहीं हो रही। दोबारा हम ग्राउंड लगाते हैं इस पर और ट्रबल कोड को क्लियर करते हैं। ये हमने कोड क्लियर किया
ये आप देखो नो ट्रबल कोड हो गया, और अब फिर दोबारा रेस करेंगे तो गाड़ी हमारी बिल्कुल रेस होगी। ये आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि हमने PS70 Pro की मदद से इस गाड़ी की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर दिया है। ये आप देखो इसकी पिन जो है ये हमने अलग से ग्राउंड दे के रखा है इसकी पिन पे। अब इसको जो है हम लोग सही से इसकी वायर को जोड़ लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो इसकी वायर को जो है हम सही से जोड़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे पिन से तो चलने वाला इसे है नहीं, तो ये हम सही से जोड़ लेंगे इसको। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको वायरिंग को चेक करना है अच्छे से कि आपके दो पिन पे ग्राउंड, दो पे 5 वोल्ट और दो सप्लाई की लाइन जो है वो सही होनी चाहिए, और फिर भी ये फॉल्ट कोड आ रहा हो पैडल रिलेटेड, तो आपको फिर पैडल को चेंज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। अब पैडल हम लोग प्रेस भी कर रहे हैं तो हमारा परसेंटेज जो है वो शो हो रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।